Education Master by Rahul Bhatnagar presents the biggest online public speaking championship, and this is my official entry for the round one of this competition. My topic is going to be consistency might be boring, but it gives you results. तो इस स्टेटमेंट के साथ मेरी लाइफ काफी ज्यादा कनेक्टेड है. क्यों? क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ. तो 2018 में मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था जिसपे मैं कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, लेकिन मैं कभी उस चैनल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया. क्यों? सबसे पहला रीजन था कि उस चैनल पे मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं था. कंसिस्टेंटली मैंने उस पर वीडियोज पोस्ट नहीं किए थे. लेकिन उसके बाद सेकेंड चैनल मैंने ओपन किया और मैंने एक नया रेजोल्यूशन लिया अपनी लाइफ में कि इस चैनल पे रोज मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा फॉर द नेक्स्ट 365 days. And officially what I did is that I did that. I posted on the channel for the 365 days. And during this time, what happened with me is something जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में अभी शेयर कर रहा हूँ. तो सबसे पहली चीज, जब मैंने इस चैनल पे ये रेजोल्यूशन लिया था और इस चैनल पे मैंने वीडियोज पोस्ट करना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे पास जीरो स्किल्स थे. तो मैं क्या करता था कि जो भी अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता था, उसकी जो रॉ क्लिप होती है, उस क्लिप को मैं चैनल पे अपलोड करता था. फॉर द 100 वीडियोस आई वॉज जस्ट डूइंग दैट. आई वॉज अपलोडिंग रॉ क्लिप्स टू माई यूट्यूब चैनल. इन दिस वे मुझे क्या हुआ, मुझे पता चला कि यार मेरी जो स्पीकिंग स्किल थी स्टार्टिंग में ये वीडियोस में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे मैं प्रोग्रेस करता गया 100 वीडियोस तक मैं पहुंचा, तब मुझे पता चला कि यार मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स है, मेरी जो बोलने की, मेरी जो प्रेजेंट करने की स्किल है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है. तो ये है पहली चीज जो कि मेरे साथ हुई. अब चलो बात करते हैं दूसरी चीज जो कि मैंने डेवलप की इस प्रोसेस के थ्रू. तो दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मेरे पास जीरो स्किल थे, तो 1 to 100 वीडियोस में मैंने एक स्किल डेवलप किया जो कि है स्पीकिंग. अब उसके बाद सेकेंड स्किल की बारी आई जो कि है एडिटिंग. तो अब वो भी मुझे नहीं आती थी. तो पहले दिन मैं जब वीडियो एडिट करने बैठा तो शायद मुझे 2 से 3 से 4 घंटे लग गए कि कैसे यार इस वीडियो को एडिट करूंगा. लेकिन उसी वीडियो को मैंने दूसरे दिन एडिट किया तो यार वो काफी जल्दी एडिट हुआ. तो पहले दिन मुझे लगे 2 घंटे, दूसरे दिन मुझे लगा 1.5 घंटे, तीसरे दिन मुझे लगा 1 घंटा, और चौथे दिन, पांचवें दिन अगर मैं देखा जाए कि 12 दिनों की मैं बात करूं, तो 12 और 13वें दिन मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे उस वीडियो पे एडिट करने में. तो यही पावर है कंसिस्टेंसी की. अब कॉनर मैकग्रेगर की बात करते हैं, तो वो यूएसए के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं और वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज हैं इन मिक्स मार्शल आर्ट्स. तो उनका एक रेजोल्यूशन है अपनी लाइफ में कि वो चाहे कॉम्पिटिशन पार्ट लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले, वो हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं और एवरी सिंगल डे ट्रेनिंग करते हैं फॉर 365 डेज. देयर इज नो संडे और देयर इज नॉट एट ऑल अ सिंगल ब्रेक इन हिज ट्रेनिंग रूटीन. तो यही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जो कि मेरा खुद का पर्सनल यूट्यूब एक्सपीरियंस है. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी.